Module 32, Diagnosis, how to use DSM-5. So when we are talking about the diagnosis, why we are talking about the DSM-5? It is because most of the psychologists use DSM-5 for making the diagnosis of the client. Uh, DSM-5 is stand for basically a diagnostic and statistical manual for mental disorder. डी एस एम फाइव से पहले भी काफ़ी से वर्जन है इसके जैसा डी एस एम फोर टी आर था डी एस एम फोर था डी एस एम थ्री आर था डी एस एम थ्री था तो अब जो टू थाउजेंड थर्टीन से लेकर अब तक हम डी एस एम फाइव को यूज़ uh, कर रहे हैं अब डी एस एम फाइव बेसिकली है क्या चीज़ वट इट एक्सप्लेन यू ये बेसिकली आपको कोई भी क्लाइंट जब आपके पास आता है तो उसकी केस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है ये आपको इस चीज़ में हेल्प करता है कि वेयर यू विल पुट द पर्सन अंडर द डायग्नोसिस फॉर एग्जाम्पल अगर एक uh, बच्चा है जिसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं अटेंशन डेफिसिट है उसे ऑन सीट बिहेवियर नहीं है उसका और उसके अटेंशन कंसनट्रेशन में प्रॉब्लम है उसकी मेमरी में प्रॉब्लम है तो आपने इस तरह के बच्चे को कहाँ क्लासीफाई करना है आइदर दैट पर्सन और दैट चाइल्ड हैज़ अ अटेंशन डाइफिस प्रॉब्लम और ओनली अटेंशन कंसंट्रेशन प्रॉब्लम और दैट चाइल्ड माइट हैव सम ड्रामा इन हिज लाइफ और वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए कंडीशन है तो फॉर दैट थिंग कि आपने उस बच्चे को क्लासिफाई किस डिसऑर्डर के अंडर करना है उसके लिए हम डी एस एम फाइव को यूज़ करते हैं अब डी एस एम फाइव जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स uh, बताता है आपको फॉर एग्जाम्पल वो आपको बताएगा कि हाउ सिलेक्टिव म्यूटिज्म इज डिफरेंट फ्राम द कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हाउ इन्जाइटी डिसऑर्डर इज़ डिफरेंट फ्राम डिप्रेशन डिसऑर्डर और डेफिनेटली ये जो डिफरेंस है ये किसकी बेसिस के ऊपर बताएगा ये डिफरेंट सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर बताएगा, बताएगा तो ये जो सिम्टम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है ताकि आप उस बच्चे को प्रॉपर डायग्नोसिस दे सको और वो जो डायग्नोसिस है वो हेल्प करेगा किस चीज़ में फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इसलिए जो डी एस एम फाइव है वो डिफ़रेंट मेंटल डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करता है वो ये चीज़ें बताता है कि जो डिप्रेशन है उसमें सैडनेस होगा जो डि एनजाइटी है उसमें रेस्टलेसनेस होगा जो कंडक्ट प्रॉब्लम है उसमें बच्चा जो प्रॉब्लम uh, करेगा वो एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर के थ्रू करेगा और जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म है उसमें बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा ठीक है और दो के दट चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू टॉक तो इस किस्म के जो डिफरेंसेस हैं जो डेफिनेशंस व्हाई वन डिसऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एन अदर इज एक्सप्लेन बाय द डी एस फाइव अब जो हमने एलिमेंट्स uh, को ध्यान रखना होता है जिस वक़्त हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं डी एस में तो वो ये चार पांच हैं जिसमें पहली चीज़ आती है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेकंड स्पेसिफायर थर्ड प्रिंसिपल डायग्नोसिस दैन द प्रोविजनल डायग्नोसिस तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डी एस ये एक्सप्लेन करता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो अकर होंगे फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड आइदर वन मंथ आइदर टू वीक्स आइदर वन वीक और ये जो क्राइटेरिया uh, है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया व्हेन दैट फुलफिल्स ओनली देन यू कैन से दैट द चाइल्ड और द पर्सन हैज़ अ सर्टन और स्पेसिफिक डिसऑर्डर अब जो डिसऑर्डर है Uh, या जो आपने उसको डायग्नोसिस दिया है उसके साथ डिफरेंट स्पेसिफायर्स होते हैं अब स्पेसिफायर का क्या मतलब होता है स्पेसिफायर का मतलब ये है कि यू नीड टू बी एक्सप्लेन आइदर देयर इज एनी सब टाइप ऑफ दैट डिसऑर्डर और उसका uh, जो कोर्स है वो कैसा है और उसके साथ साथ आपने उसकी इंटेंसिटी बतानी होती है अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहती हूँ कि एक बच्चे को जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर है तो उसका स्पेसिफायर जो है या उसकी सब टाइप जो है वो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि वेदर इट इज़ द चाइल्ड हुड ऑनसेट टाइप है या वो एडोलसन की ऑनसेट टाइप है तो वी नीड टू बी स्पेसिफाई दैट थिंग देन हमें यह बताना पड़ेगा कि कोर्स जो है स्पेसिफाइड वो क्या है यानी उसकी जो रिमिशन है वो पार्शल है या उसकी रिमिशन जो है वो फुल है इसके साथ साथ हमें ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है माइल्ड है मॉडरेट है या सवेयर है तो ये सारी चीज़ें हमें एक डायग्नोसिस के साथ बतानी पड़ती हैं इसके साथ साथ आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ये तीनों तरह के स्पेसिफायर हर डिसऑर्डर के साथ नहीं होते कुछ के साथ होते हैं कुछ के साथ नहीं होते देन वट इज़ द प्रिंसिपल डायग्नोसिस प्रिंसिपल डायग्नोसिस ये होता है कि जब एक चाइल्ड uh, आपके पास आया है तो वट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स दैट पर्सन इज एक्सपेटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल वो डिप्रेशन के सिम्टम एग्जिबिट कर रहा है उसका इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में आ, वो डिप्रेस uh, हो रहा है उसको होपलेसनेस है सैडनेस है लैक ऑफ प्लेयर है वेट लॉस है इंसोमनिया है बट व्हेन यू वर टॉकिंग विद दैट पर्सन और विद दैट चाइल्ड तो यू विल गेट द आइडिया कि इसको तो कहीं इन्जाइटी भी है एंड देन यू सेट के ओके okay, इसके सेकेंडरी लेवल पे इन्जाइटी डिसऑर्डर भी है तो आप उसका जो प्राइमरी डायग्नोसिस है वो डिप्रेशन रखोगे और उसके साथ जो सेकेंडरी डायग्नोसिस है दैट कैन बी द एन्जाइटी डिसऑर्डर तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो भी सिम्टम्स उसकी पहले आई आपके पास जब मैनीफेस्ट हो रही थी तो देट मस्ट बी द प्रिंसिपल डायग्नोसिस दैन द प्रोविजनल डायग्नोसिस प्रोविजनल डायग्नोसिस ये होता है कि अभी द चाइल्ड के मैन और आपको Uh, कुछ क्लियर कट उसके फीचर्स पता नहीं चल रहे कि ये डिप्रेशन में जाएगा या ये इन्जाइटी में जाएगा जैसे बच्चा ये भी बात कर रहा है कि उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता और साथ में वो ये भी बात कर रहा है कि उसको एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा इन्जाइटी है तो यू आर अनएबल टू डिटर्मिन के आईदर इट इज़ द एन्जाइटी डिसऑर्डर और इट इज़ द डिप्रेशन तो उस टाइम पे आप कोई भी प्रोविजनल डायग्नोसिस बच्चे को फॉर अ टाइम बिंग दे सकते हो अनटिल के अनलेस आप उसकी प्रॉपर साइक्लॉजल असमेंट नहीं घर लेते थ्रू इनफॉर्मल असेसमेंट और थ्रू फॉर्मल असेसमेंट तो जिस वक्त तक यू विल अनएबल टू मेकअप योर माइंड उस वक्त तक आप प्रोविजनल डायग्नोसिस के ऊपर आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो ताकि जो कि सिम्टम बेस्ड होती है ताकि उसके जो सिम्टम्स हैं uh, वो सबसाइड हो सकें और वो कम्फर्टेबल uh, हो सकें